अलग अलग पार्टी होते हुए भी अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर विकास के लिए काम करना, ये टीम इंडिया की मैं समझाता हूं ना, ज्यादा ही समझाता हूं। हमने तय किया कि कोयले की खदानों की नीलामी का जो पैसा आएगा वो पैसा उसी राज्य को दिया जाएगा। ज्यादातर खदानें पूर्व में है, हमारी सबसे कम सरकारें पूर्व में है, फिर भी हमने निर्णय किया कि हमारी विरोधी सरकारें होते हुए भी, विरोधी पक्ष की सरकार होते हुए भी, ये पैसे पर उनका अधिकार है, उनको देना, ये टीम इंडिया है। अब समझ में आया, अभी समझवा दें। आपकी सरकार दिल्ली में है यानी केंद्र में है, आपकी सरकार हरियाणा में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार गुजरात में है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है। कुल 28 परियोजनाएं इन जगहों पर जमीन न मिलने की वजह से लटकी हुई है। दिल्ली से मुंबई तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लटका हुआ है। सरकारें आपकी, कौन सी वजह है कि आप अपनी ही सरकारों में एक ऐसी आइडियल स्थिति क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जिससे किसानों से आप भूमि अधिग्रहण बिल के कारण ही अटका हुआ है। और ये सरकार में आप ठीक से शायद स्टडी करे बगैर आए एक साल का, पहले ठप पड़ी हुई योजनाओं का प्रतिशत 14% था, एनडीए की सरकार ने उसी 14% को एक साल में ही 6% तक नीचे लाने का काम किया है। जो 14% यूपीए की सरकार में बना था उसको हमने 6% तक नीचे लाया है। हमें जी वो यूपीए का जिक्र जब जब आप करते हैं आप बच जाते हैं। नहीं नहीं, यूपीए का तो इतने गड्ढे कर दिए मान लीजिए। नहीं नहीं, यूपीए का जिक्र मैं नहीं करता भैया, 14% से सुधार कर 6% लाए है, मैं मेरी जिक्र कर रहा हूं। हमें जो विरासत में मिला था उसमें मैं क्यों 14% था उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे जो विरासत में मिला वो आंकड़ा मैं कह रहा हूं कि 14% था उसको हम घटाकर 6% हो गया। जो उपलब्धियां गिनाई गई अभी आप बता भी रहे थे उसमें काले धन का जिक्र, आपको इस बात का कोई अफसोस है कि आपने एक बार राजनीतिक जुमला कह दिया था 15 लाख आपके खातों में आएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप भी आज भी पूरी फुटेज निकाल कर रखिए। एंकर ने ऐसा सवाल किया था कि अब तक क्यों चेक नहीं पहुंचा। मैंने बोला भैया चेक किसी को नहीं पहुंचता है। मोदी जी का एक कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो सारे काला धन आएगा वो इस देश के गरीबों के लिए उपयोग में आएगा, और काला धन इतनी मात्रा में है कि 15 लाख रुपया पर गरीब के हिस्से आ सकता है। हिस्से मतलब विकास के लिए चेक नहीं जा सकता, वो आपको भी मालूम है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि वाकई आ जाएगा? अब हमने कानून बनाया है, आप थोड़ा समय राह देखिए। 60 साल तक तो इसकी कोई व्यवस्था 68 साल तक हुई नहीं थी, एक साल में हमने शुरुआत की है। मैं मानता हूं जनता ने धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि एक एक पाई काले धन की भारत में वापस लाना और यहां से एक पाई आगे न जा पाए इसके लिए सुनिश्चितता करना। तो आपकी बात को आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं समझ पाते हैं? चलिए हम समझा लेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, हमारी पार्टी का मामला है भैया, समझा लेंगे। नहीं सर, ये देश का मामला है, वो भी कहीं आप सुब्रमण्यम स्वामी मेरी, कहते मेरी, हैं मेरी पार्टी का सर कठोर है। नहीं नहीं, ब्लैक मनी नहीं होने देगा, लेकिन लाने का प्रोविजन नहीं है इसमें। लाने का भी प्रोविजन है, आप थोड़ा समय राह देखिए आ जाएगा। है बात पे जी। ओके, चुनाव के वक्त इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में आप लोग रहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्थिति बनती है उसमें मनमोहन सरकार तो सर झुका लेती है, और नारे लगते थे क्या वाकई सर हमारे काटे जाएंगे, हम सर झुकाए रहेंगे। ये इमोशनल डायलॉग्स थे या वाकई हकीकत है? आप लोग इसको लेकर बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि इस बार उस पर जब सब जगह नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में? हो गया जी, हमारा आक्रोश एक ही था कि उस ओर से गोलीबारी होती है और यहां से सफेद झंडे दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी गलती नहीं की है। वहां से गोली आई है तो यहां से गोला गया है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, और उसी का कारण है कि 3 महीने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाहर कर दीजिए, बाय एंड लार्ज शांति रहेगी। मगर एनालिसिस अपने तरीके से ही करना है और तय किए हुए रास्ते पर करना है, तो छुट्टी है, जनता फैसला करेगी और जनता सबके लिए एक ओपिनियन बनाती है, सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बनाती। यकीनन राजनीति की साख रहे, मीडिया की साख रहे, तभी दोनों एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए हमारा सवाल यह है कि उस पार तो छोड़ दीजिए, इस पार नारे लगने लगे भैया। आज भी मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है वाजपेयी जी, देश के हर राज्य में जाकर आया हूं, और आज भी उतनी ही
जोर से मैं कहता हूं कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से उसका जवाब दिया जाएगा और लोग उतनी ही हर्ष के साथ इस बात को सुनते हैं, कहीं 1.001% भी उत्साह कम नहीं हुआ है। और उसी दिन नक्शे पर अरुणाचल और कश्मीर गायब कर देते हैं चीन। वो मीडिया ने किया था, मीडिया वहां शायद इसके कम कब्जे में है, यहाँ की जगह वहां भी नहीं लगता। सीसीटीवी सर उनका राष्ट्रीय वो है जिसे हमारा दूरदर्शन है और आपने समझौता कर लिया। वो ठीक है, मीडिया ने किया था, मगर ऐसे भी जमाने थे जब प्रधानमंत्री वहां होते थे और यहाँ 3 किलोमीटर अंदर आ जाते थे। इस बार ऐसी कोई हिमाकत किसी ने नहीं कर पाया है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मेक इन इंडिया के जरिए दो बात निकल कर आ रही है, एक तो हम लोग प्रोडक्शन खुद करेंगे और दूसरा देश के भीतर रोजगार आ जाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमको विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी पूंजी इंटरनेशनली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पूंजी जब आती है तो सामने वाला कुछ ले जाने के लिए पूंजी लगाता है, आपको देने के लिए नहीं लाता है। क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि मेक इन इंडिया को लेकर जो थ्योरी आप रख रहे हैं उससे देश में रोजगार आएगा, प्रोडक्शन आएगा? हाँ जी, सिर्फ पूंजी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी और यहाँ उत्पादन होगा तो रोजगार भी आएगा और पूंजी 50% भारत की होगी और यहाँ से जब एक्सपोर्ट होगा तब रुपया भी आएगा। अभी तो पूरा का पूरा सबमरीन विदेश से आता है, यहाँ 50% तो बचेगा ना? नहीं नहीं, यकीनन नहीं, समझ आता है या नहीं आता है? मैं समझाऊं अभी? नहीं नहीं, पहले समझिए ना। ये अभी पहले मेरी बात सुनिए। 9 सबमरीन परचेज करनी है, मुझे पहाड़ी की तरह आपको समझाना पड़ेगा। 9 सबमरीन अगर परचेज करनी है, सभी विदेश से आती है, मुनाफा भी जाता है, रोजगारी भी जाती है, 50% मुनाफा भी जाता है और 9 में से 3 विदेश से आती है, 6 यहाँ बनती है तो रोजगारी भी मिलती है, 50% में मुनाफा भी मिलता है, 50% मुनाफा विदेश जाएगा उस पर टैक्स भी मिलता है। फिर भी पुण्य प्रसून वाजपेयी को हम समझा नहीं सकते कि इससे फायदा होता है। आपकी बात पे पूरा देश सहमत है कि बाहर से जब हम लेते हैं सामान वो कॉस्टली पड़ता है। हमारा सवाल कुछ और है, क्या एक साल इतना पहले कह देते तो मैं इतना जोर से न बोलता भैया। क्या आप सहमत है? हम कह रहे हैं पूरा देश सहमत है इस बात तो आप नहीं है, पूरा देश सहमत है। जी जी, क्या ऐसी स्थिति में आपको एक बरस के भीतर लगा है कि कोई देश टेक्नोलॉजी के साथ इस देश में आने वाला है? किसी देश ने क्या वादा किया है कि हम आपके यहाँ जो इंडस्ट्री लगाएंगे उसमें इतना रोजगार देंगे? रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। काफी लोगों ने इरादा जता है टेक्नोलॉजी के साथ आने का, यहाँ पर प्रोडक्शन करने का। थोड़ा राह दीजिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं अमित शाह जी, आप पूरा देश घूमे हैं, हर प्रांत से वाकिफ रहे हैं और इस देश के भीतर का सच ये है कि जब से 91 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में शुरू हुआ है, इस देश में किसानों की जमीन जो जानी शुरू हुई वो मजदूर में तब्दील होने लगे, जितनी इंडस्ट्री इस दौर में लगी वह उतने रोजगार नहीं दे पाई जो कि किसानों की जमीन से निकलकर रोजगार मिलता, ऐसी जेट के तहत जमीन ले ली गई, अलग अलग योजनाओं 40% वो भी खाली पड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है इस बात का कि इस देश के भीतर रोजगार एक बड़े संकट के तौर पर खड़ा हो रहा है, और उसका कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास है या हम ये सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई है क्या? हाँ जी है, मैं बताता हूँ आप जी। पहले जब यूपीए की सरकार थी तब WTO में एक एग्रीमेंट, मतलब एक मुद्दे पर डिस्कशन हुआ था और सैद्धांतिक स्वीकार कर यूपीए की सरकार आई थी कि इस देश के किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते हैं रिफॉर्म्स के नाम पर। मगर देश के किसानों के सौभाग्य से जब इसका इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फर्म स्टैंड लिया कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं मगर देश के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए बगैर नहीं रह सकते। अगर WTO इसको ठीक नहीं मानता तो भी हम नहीं जुड़ेंगे और आज वो पॉलिटिकल विल के कारण हम WTO में भी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी दिखाने के लिए एक बात। दूसरी बात, कृषि इसलिए आज फायदे का व्यापार नहीं है, कई कारण है, उसमें से एक प्रमुख कारण है कि कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कृषि की उत्पादकता से ज्यादा है। अगर कुछ लोगों को अन्य रोजगार देकर कृषि पर से निर्भर
जो है उनको अन्य व्यवसायों में स्वरोजगार में अगर जोड़ देते हैं तो कृषि भी फायदे का व्यापार बन सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो भूमि अधिग्रहण बिल में एक इंच जमीन भी बड़े औद्योगिक घराने को देने का प्रावधान नहीं है, केवल और केवल विकास के लिए भूमि ली जा रही है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये गांव में हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? गांव में हम शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना चाहते हैं या नहीं चाहते? गांव में स्कूल बनाना है या नहीं बनाना है? गांव के अंदर अच्छे अस्पताल बनाने हैं या नहीं बनाने हैं? अगर बनाने हैं तो भूमि चाहिए, उसका उचित दाम लेकर किसान को भूमि देते हैं, उसी दाम से बाद में खरीद फरोख बंद नहीं हो जाती, उसी दाम से किसान भूमि और जगह पे खरीदता है, किसानी भी करता है, कुछ पैसा बचता भी है और रोजगारी जो उत्पन्न होती है उस पर से कृषि पर की निर्भरता भी कम होती है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं जो जमीन आप लेने जा रहे हैं उस पे सरकार ही हॉस्पिटल बनाएगी, सरकार ही टोल टैक्स वसूलेगी, सरकार ही सारे काम करेगी, किसी कॉरपोरेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा? यानी ये पहले बार नजरिया आ रहा है कि हम वेलफेयर स्टेट में लौट रहे हैं। हो गया, अब मैं बताता हूं। जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल के अमेंडमेंट के बाद का भूमि अधिग्रहण बिल के सवाल है, इस पूरे बिल में कोई बड़े औद्योगिक घराने को एक इंच भी जमीन देने का, भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है, ना किसी निजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भूमि देने का प्रावधान है। वही प्रोजेक्टों के लिए भूमि दी जाएगी जिसमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार का रहेगा। इसका मतलब है इस देश के बड़े औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट अब अपने आप को क्या माने, जब आप बार बार कहते हो और अब तो नाम लेके आप लोग कहने लगे हैं कि हम इन्हें नहीं देंगे, इन्हें नहीं देंगे। हमें ये बताइए कि इस देश में क्या कॉरपोरेट बिजनेस करने के लिए सरकार के साथ मिलकर आगे का विजन नहीं रख सकता है? अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे और अब आप नाम लेकर करने लगे हैं आप लोग। मैंने कोई नाम नहीं, नहीं आप नहीं, मैंने सरकार एक साल में बहुत बार नाम, मैंने नाम नहीं दिया। दूसरी बात, कॉरपोरेट घर, बड़े औद्योगिक कॉरपोरेट घराने को किसान के पास से भूमि परचेस करने में कोई नहीं रोक रहा, सरकार पहले की तरह उनको लेकर नहीं देगी जो 60 साल से कांग्रेस ने किया है। उद्योग लगाना है तो वो अपनी भूमि किसान से खरीद करेंगे, किसान अपना उचित दाम जो चाहिए वो लेगा उनसे, वो आमने सामने नेगोशिएशन करके ले लेंगे, सरकार कहां से आती है? इसका मतलब है जितने हाईवेज बन रहे हैं वहां पर अब टोल वसूली कौन, सरकार करेगी? टोल वसूली जो करेगा, भूमि का स्वामित्व सरकार का रहेगा और हाईवे बनाने का उसका पैसा निकल जाएगा, कंपनी निकल जाएगी और सरकार हाईवे चलाएगी। जो गोडाउन बनेंगे, जो अलग अलग तरीके से किसानों के लिए आप लोग बनाने की, सारा सरकार बनाएगी, सारा सरकार जी। अब किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट की उसमें भागीदारी नहीं होगी? आप अभी भी समझ लीजिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, आज भी अभी भी कर देता हूं कि भूमि अधिग्रहित शुद्ध रूप से जिसमें भूमि का स्वामित्व सरकार के नाम पे रहेगा ऐसे प्रोजेक्टों के लिए ही की जाएगी। ओके, हम मंच खोलें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जहन में सर ये आ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार विरोध करती थी मनमोहन सरकार का कि उसके यहाँ जितने मंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री हैं ये चुनाव लड़ के नहीं आए हैं। हम लिस्ट देख रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर्स हैं जो वाकई बैकडोर एंट्री है, यानी जनता ने चुना नहीं उन्हें, बड़ी लंबी फेरिस्त है, तो उस समय विरोध कर रहे थे, अभी आप उनको ले आते हैं साथ में? नहीं, हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री के लिए, नहीं नहीं विरोध सर हुआ है सर, ऐसा मत कीजिए, पार्लियामेंट के भीतर की प्रोसेस। मगर मैं भी तो यही रहता हूँ भैया, हम भी तो अमेरिका से आता हूँ सर, हम भी तो यही है ना। हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आना चाहिए इस मुद्दे का ही किया है। राज्यसभा बनी तब से काफी लोग राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मंत्रिमंडल में काफी लोग आए हैं, इसमें कभी किसी ने विरोध नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम नहीं किया। हमारा आग्रह एक ही है था कि प्रधानमंत्री कम से कम देश का लोकसभा के अंदर चुनकर आना चाहिए, जनता का सीधा मैंडेट लेकर आना चाहिए। यानी दर्जन भर मंत्री राज्यसभा से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो राज्यसभा से कोई मंत्री नहीं लेना, ये बार बार ये सवाल उठाया गया था, आप हमारी ओर से नहीं उठा गया। हम बीजेपी, पुण्य प्रसून जी, आपकी भ्रांतियों को आप भाजपा पे मत डालिए, हमारी ओर से कभी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में अगर
सीधा लोगों के पास से मैंडेट लेकर आता है वो ज्यादा अच्छा होता है। सर मई में सरकार आई, जून में प्राइम मिनिस्टर का भाषण था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था जो भी दागी लोग हैं उन पे एक साल के भीतर कार्रवाई हो और 2015 तक संसद लहलाने लगे और जो नहीं दागी हैं वो खुलकर सामने आए। लेकिन अब तो एक साल होने को आ गया, स्थिति तो जस की तस है। ये बात के लिए हमने देखे जुडिशरी का खाका हमारे संविधान के अंदर शुद्ध रूप से सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इच्छा भी जता ली है और सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्त भी है, जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी अपने आप कोर्ट बन जाएगी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम इस देश में प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो है वो तो अपनी कैबिनेट में दागी लोगों को ना रखे। मगर मैं कहता हूँ ये कोर्ट ही बना दिया जाए कि जिससे कौन दागी है या नहीं है उसका जल्दी फैसला हो जाना चाहिए, उसमें सबने इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने इतना कहा हमने हमारा काम कर दिया है। एक साल पूरे हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि 12 महीने कम हो गए या 60 महीनों में 12 महीने और जुड़ गए? मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल खत्म हो गए, हमने और 5 साल तक का भरोसा लोगों का जीतने का काम यहां पर समाप्त किया। हमको सवाल ले लें क्या? जी माइक दिया जाए। राजदीप को दो भाई पहले यहाँ वहां दे। सर आपकी गवर्नमेंट की बात करें तो आपकी गवर्नमेंट ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं, साल भर के अंतर्गत बहुत वेलफेयर काम किए गए हैं। लेकिन संवेदनशील तथ्यों की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील तथ्य है भारत में नक्सलवादी मूवमेंट जो लगातार नक्सलवाद की समस्या। सर नक्सलवाद की समस्या को किस प्रकार से आपकी सरकार सॉल्व करेगी? और सर यूथ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यूपीएससी के सीसेट को लेके, तो इतनी अच्छी सरकार आपकी सरकार ने उसे क्वालिफाइंग कर दिया समस्याओं को देखते हुए। सर ये क्या भविष्य की राजनीति की स्ट्रेटजी है कि वास्तविक में या स्थायी बदलाव हुआ है सीसेट में? वंश की सर ये वास्तविक बदलाव है या फिर समीप की राजनीति को देखते हुए सिर्फ बदलाव किया गया है? नहीं नहीं, जहां तक यूपीएससी का सवाल है, एक पेपर को लेकर काफी विवाद था और वो पेपर को रिस्ट्रक्चर करने के लिए सरकार ने निर्णय करा है, जब तक नहीं होता तब तक वो क्वालिफाइंग रहेगा, एक बात। और दूसरी बात नक्सलवाद का, जहां तक सवाल है, नक्सलवाद का सामना कोई केंद्र सरकार अकेली नहीं कर सकती। हमने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी संवाद किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ भी संवाद चल रहा है और रांची की सरकार के साथ भी संवाद चल रहा है और कुछ ठोस कदम आपको कुछ ही दिन में विकास के रास्ते पर और नक्सलवाद पर नकेल कसने के बारे में भी तुरंत ही दिखाई पड़ेगी। सर ये नक्सलवाद तो आपने दिल्ली की सरकार को भी एक बार कहा था, जनता ने चुन लिया। चलिए अब दिल्ली की जनता को आज ही पूछ लीजिए, आप तो कुछ कहोगे नहीं। नहीं नहीं, हम कहेंगे, आप पूछिए तो, मगर दिल्ली की जनता को आज पूछ लीजिए क्या फील कर रहे हैं। जी सर एक आपके विरोधी कहते हैं कि अहंकार बढ़ गया है और मार्केटिंग ज्यादा होती है, स्लोगन जैसे मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अहंकार और मार्केटिंग ये एक इल्जाम आजकल आपके जो क्रिटिक्स से लगाते हैं, उसके साथ अरुण शौरी जो आपके पार्टी से जुड़े हुए उन्होंने भी कहा कि प्लेट पर बहुत आवाजें आ रही है लेकिन प्लेट में है नहीं कुछ। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो मार्केटिंग का जो कि नरेंद्र मोदी जी भी लगातार कैंपेन मोड में है, अभी भी कैंपेन कर रहे हैं 2014 के चुनाव के बाद, किस तरह से देखते हैं? हो गया बिल्कुल। अहंकार और विश्वास के बीच में बहुत पतली रेखा होती है और हमें बहुत बारीकी से उस रेखा का भान है, देखने वालों ने भी रखना चाहिए कि ये अहंकार है या विश्वास है। विश्वास को अहंकार के नाते इंटरप्रेट करना ठीक नहीं है। और जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, करना ही चाहिए। जब मैं जोर से बोलूंगा आज तक के कार्यक्रम में कि 12 रुपये में इस देश की सरकार आपके लिए एक्सीडेंट बीमा देने वाली है, तभी तो जाकर कोई 12 रुपये भरकर एक्सीडेंट बीमा लेगा, वरना कहां से लेगा भैया। उसका मार्केटिंग करना ही चाहिए। अगली सरकार में प्रॉब्लम यही थी कि योजनाएं बनी जमीन पर नहीं दिखी, ये गलती हम करना नहीं चाहते। योजना भी बनेगी, इम्प्लीमेंट भी होगा और परिणाम भी आएंगे। सर ये मरने के बाद जो आप सुविधा देने का जिक्र कर रहे हैं,
उसमें आप कहते हैं बार बार कि हम आपके लिए ये ला रहे हैं, तो जनता के भीतर ये वाकई सवाल है कि आपकी हर योजना जीवित रहते हुए क्यों नहीं आप इंश्योरेंस के कंसेप्ट के खिलाफ है? नहीं, हम पहले तो नहीं, आप इंश्योरेंस के कंसेप्ट के खिलाफ है क्या? 2 जून की रोटी मिल जाए पहले, इतना तो रोटी का भी जुगाड़ करेंगे भैया। पहले आप बताइए ना, आप इंश्योरेंस के कंसेप्ट के खिलाफ है? हम हर उस योजना के खिलाफ है जो मारने की दिशा में ले जाए। मारने की दिशा में इंश्योरेंस योजना है ही नहीं। किसी का अकस्मात होता है, एक टांग कट जाती है तो भी उसको पैसा मिलता है, एक हाथ कट जाता है तो भी पैसा मिलता है, और पीछे जो परिवार होता है उसकी भी चिंता व्यक्ति स्वयं करता है, वो चिंता से सरकार ने उसको मुक्त कर दिया है। इतनी नेगेटिविटी से न देखिए कि जनता को आपके लिए सवाल खड़े हो जाए। जी पूछिए। जी, दिन भर से इंतजार कर रही हूँ ये क्वेश्चन पोज करने का, तो अब फाइल सीधे ऊपर की टेबल पे जा रही है। सर, महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है, किसी ने अभी पूरा पुरुष प्रधान कार्यक्रम हो गया आज दिन भर का तो समझ नहीं आया कि किसको पूछे, तो अब आप आ गए हैं, आप ही को पूछे प्रधानमंत्री के। नहीं, नहीं, आप पूछ ही रही है कि आप पुरुष प्रधान कार्यक्रम में देखिए, आराम से पूछ रही है आप, और मुझे ही पूछिए महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मामला है जिसमें जिसके लिए देश की कुछ पार्टियों को बहुत घोर आपत्ति है। वो पार्टियों के चर्चा के लिए हमने मीडिया की उपस्थिति में नहीं मगर कई बार चर्चा करी है और समझाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं, अगली सरकार भी कर रही थी और पायसली कर रही थी मगर हो नहीं पाया। हम भी प्रयास कर रहे हैं एक संवाद करने की, संवाद हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। जी, उम्मीद है कि हो जाए। जी जी। सर, एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के लिए नॉलेज एक आधार होता है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, ये काफी पुराना रिपोर्ट है, 8-10 साल पुराना रिपोर्ट है, जिसमें कही गई कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उसमें जिक्र हिंदुस्तान का ज्यादा था, दैट इंडिया इज अ वेरी एफिशिएंट कंज्यूमर ऑफ नॉलेज। If it wants to assume leadership in the world, it has to become a producer of knowledge. तो आपकी सरकार शिक्षा विभाग में ऐसा क्या सोच रहे हैं ताकि हम नॉलेज के सिर्फ कंज्यूमर्स और एफिशिएंट कंज्यूमर्स न रह जाए, हम नॉलेज के प्रोड्यूसर्स भी बने? नहीं, ये सरकार की जो नई नीति बन रही है उसमें R&D पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है और बहुत बड़ा बजट R&D के लिए हम आवंटित करने जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी अगर R&D को बढ़ावा देती है तो अपने आप यहां नई शुरुआत होगी। जी, माइक दें। सर, सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को बधाई, 1 साल पूरा होने पर एक नई ऊर्जा से सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और 1 महीने तक बड़े अच्छे तरीके से सारे सरकारी विभागों में, और हमने भी अपने आप को जो है सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने आप को झोंका। लेकिन आज जो किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, सफाई का आलम आप खुद जाइए सर, आप जाकर के देखिए कोने में वहाँ जो है पान थूका हुआ मिलेगा, कहीं जो है कूड़े का ढेर मिलेगा। तो उस सिचुएशन में जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा 1 साल में कैसे खत्म हो गई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया घूमे लेकिन 2 कंटिनेंट अभी तक मिस कर रहे हैं, और खासतौर से हम इंडस्ट्री को ग्रूम करना चाहते हैं, वो कंटिनेंट है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। वहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर हमारे प्रवासी भारतीय भी बहुत संख्या में रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इस पर आप विचार रखें। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, कोई पीछे हट नहीं हुए। स्वच्छता का आंदोलन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, स्वच्छता के संस्कार की निर्मिति करना, सरकारी योजनाओं में स्वच्छता को आमेज करना, मतलब उसको इंक्लूड करना इसके लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। स्वच्छता के संस्कार के लिए काफी मेहनत हुई है और संस्कार खड़ा भी हुआ है। मैंने कई जगह पे ऐसा किया, छोटे छोटे बच्चे भी टोक देते हैं अपने माँ बाप को, मैंने भी देखा है भैया कि पापा वहां मत डालो, वहां डस्टबिन है, और ये परिवर्तन आया है।
नीति आयोग इस पर विचार कर रहा है, ग्राम पंचायत से लेकर भारत सरकार के बजट के अंदर स्वच्छता को लॉजिकल एंड तक, मतलब कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा तो हो गया मगर उसको लॉजिकल एंड तक कैसे ले जाए, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी राज्य सरकारों को मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी शुक्रिया। हाँ अमित शाह जी, मेरा सवाल ये है कि एज ए प्रेसिडेंट, आप बीजेपी प्रेसिडेंट के नाते क्या आप मोदी जी को एडवाइस देते हैं? मोदी जी को एडवाइस देते हैं आप? क्या उनको आप सलाह देते हैं जब आप घूम कर आते हैं कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि एक साल पूरे होने पर आप अपनी सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखिए, नंबर देना मीडिया का काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं कितना सेटिस्फाइड है आप अपनी सरकार से? मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड हूँ और मैं मानता हूँ कि जो गड्ढा विरासत में मिला था उसमें एक साल में जितना हो सकता था उससे भी अच्छा हुआ है, एक बात। और जहां तक एडवाइस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते मेरा काम है सरकारी की लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। हमको लगता है उसमें प्रतिबिंब सर ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई सलाह नहीं दे सकता है। भैया आप दे दीजिए ना, एक बार पत्र लिखकर ही दे दीजिए, कौन रोकता है? सारा देश लिखता है, आप भी लिख दीजिए। अब तो सर ट्विटर और उसका जमाना आ गया ना, बड़ा मुश्किल। नहीं नहीं तो ट्वीट कर दीजिए, एडवाइस ट्विटर पर दे दीजिए। ट्वीट करते हैं तो पता नहीं भक्तों का रेला आ जाता है, टूट जाता है। तो उससे समझिए कि एडवाइस बदल दीजिए आप, ठीक नहीं है एडवाइस, आपकी एडवाइस ठीक नहीं है। जी वो माइक उन्हें दें, वो पूछना चाह रहे हैं। सर मैं सुबह 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ, हर पैनलिस्ट हर मिनिस्टर से एक ही बात पूछता है कि अच्छे दिन आ गए, पर आज तक वाले मंथन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इन लास्ट 65 ईयर्स पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन को भी बुलाया जा रहा है और गवर्नमेंट को भी बुलाया जा रहा है, तो ये मंथन कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छे दिन आ गए हैं तभी ऐसा हो रहा है। तो चलिए भैया धन्यवाद। मैडम हाँ उन्हें दीजिए महिला को। पुरुषों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं पर मुझे नहीं ऐसा लगता कि महिलाओं के लिए आए हैं। अभी भी महिला सुरक्षा पूरे देश के अंदर इतना जो रिकॉर्ड शो करता है, सुबह अखबार पढ़ें तो जिस तरह के बलात्कार के केसेस सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे देश के जो आते हैं, तो आपकी सरकार महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? और उसके साथ साथ बिल्कुल जो कनेक्टेड है वो पुलिस रिफॉर्म्स की मैं बात करती हूँ, क्योंकि जब भी महिला कोई भी परेशानी में आती है वो किसी पुलिस अफसरान के पास जाती है और उसकी सुनवाई नहीं होती, उसका कुछ नतीजा हो सकता है कि पुलिस में इतनी सेंसिटिविटी की कमी है, तो उसके लिए कुछ उद्धार के लिए दोनों क्षेत्रों में आपकी सरकार कुछ कर रही है? एक तो सरकार ने हिम्मत ऐप लॉन्च किया है दिल्ली में और उसको सर्कुलर कर सभी राज्यों को भी भेज दिया गया है कि, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मसला है, सभी राज्यों को भेज दिया है कि महिला सुरक्षा के लिए करें, और 3 मानकों पर सुधार करने के लिए भी राज्यों के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की, उस वक्त डिटेल चर्चा हुई है और काफी राज्यों ने अपनी योजना बनाकर भेजी भी है। राहुल जी, अब तक आपका चुनावों में रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के स्कोर की तरह था, लेकिन दिल्ली में आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए। अगर आप चुनावों का एनालिसिस करते हैं तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी चूक आपकी क्या हुई? अगर आप दोबारा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इस बार का चुनाव आप भिन्न कैसे लड़ेंगे? देखिए, दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे, जिस तरह से सरकार चल रही है दिल्ली की उसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं। सर ये चुनाव कब होंगे? अब वो कितना चला पाते हैं उस पर निर्भर है। दिया जाए सर, अभी बिहार में असेंबली इलेक्शन है सर, तो एक प्रॉब्लम आपके सामने बिहार का मैं रख रहा हूँ कि बिहार में माइग्रेशन का बहुत बड़ा समस्या है, और पिछले साल तक हम देखते थे, अभी भी देख रहे हैं, जबकि पिछले साल तक अगर देखते थे कि जो सबसे निचला तबका है वो जाके गुजरात में छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, उसके बाद जो स्टूडेंट का तबका है वो चाहे तो साउथ इंडिया में इंजीनियरिंग का के लिए जा रहा है, चाहे तो दिल्ली सिटी में कहीं भी माइग्रेट होकर पढ़ने के लिए आ रहा है, और जो पढ़ने वाला तबका है, जो पढ़ चुका है वो भी आईटी फर्म में या एमबीए करने के बाद कहीं जॉब करने के लिए बाहर ही जॉब तलाश कर रहा होता है,
दुख का बात है सर कि इस साल भी बिहारी स्टूडेंट्स इधर उधर जाएंगे कहीं पढ़ने के लिए, कहीं अब नौकरी करने के लिए। क्या अगले साल तक माइग्रेशन की जो समस्या है बिहार का, कुछ हद तक नियंत्रण होने की संभावना है? अगर है तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। जब हमारी संयुक्त सरकार थी तब माइग्रेशन अटका भी था और विकास दर 14% से ऊपर गई थी। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की